क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज दिस, यानी एस एन दे दिया है, फाइंड इट्स एनथ टर्म एंड राइट इट्स 20th टर्म। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एस एन दिया जाए, तो यार फिक्स है एन को 1 रखना है, फिर एन को 2 रखना है, ठीक है, तो उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो इसमें हमारे पास एस एन है, कितना एस एन हमारा 1/2 ब्रैकेट में, क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, क्योंकि तो रट जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो एस एन और ए एन पे भरमार है क्वेश्चन की, मतलब भर भरे पड़े हैं। तो भैया एक भी क्वेश्चन आपको मतलब बिल्कुल रट जाए ये कि कैसे करते हैं, सोचना ना पड़े, दिमाग पे 1% प्रेशर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एन को 1 रख देते हैं पहले, तो 1/2, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1, तो 1/2, 3 + 7 यानी 1/2 × 10 यानी 5 आ गया, एस वन हमारा 5 आ गया। एस टू कितना आएगा, तो एन को 2 रख देंगे, 1/2, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2, 1/2, 3 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 × 2 = 14, तो 1/2, 4 × 3 = 12 प्लस 14, तो 1/2 × 14 + 12 आ जाएगा 26, तो क्या यहाँ पे 13 आएगा। चेक करना क्या S1 और S2 की वैल्यू आपकी आ गई, क्या आपका S1 जो है वो 5 और जो S2 है क्या वो 13 आया है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका यही रिजल्ट आया है, जरा चेक करना, सारे अच्छे चेक करो क्या S1 और S2 हमारा यही आया है, देखना जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर S1 आ चुका है तो S1 और A1 होता है बराबर, यानी 5 होगा, और जो A2 होगा वो S2 - S1 से, यानी कि 13 - 5 से 8 आ जाएगा, A2 आ गया। और डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1, तो 8 - 5 से डिफरेंस क्या 3 आ गया, चेक करें क्या डिफरेंस जो है वो 3 आया है, क्या डिफरेंस सभी का 3 आ चुका है। और अगर डिफरेंस आ गया है तो हमें निकालना था nth टर्म। अब nth टर्म होता है a + n - 1 × d, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 5 है, n तो यहाँ पे n रहेगा, डिफरेंस 3 है, तो 5 + 3n - 3, तो क्या 3n + 2 हो जाएगा, क्या इसका nth टर्म, क्या इसका nth टर्म 3n + 2 आ गया, an यानी nth टर्म क्या 3n + 2 आया। और अगर nth टर्म आ गया है और आपको निकालना कौन सा है, आपको निकालना कौन सा है 20th टर्म, यानी कि a20 अगर पता करना है तो n को 20 रख दो इसी में, तो 3 × 20 प्लस का 2 = 62 आ जाएगा, चेक करो 62, और यहाँ पे रोशनी ने आंसर दे दिया है, यहाँ पे 62 आंसर है इसका। तो यानी ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा कि यार एस एन दे रखा है, एस एन की फॉर्मूले से हम S1 और S2 निकाल लेंगे, फिर A2 जो होता है वो S2 - S1 होता है, इस सारी लॉजिक से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी।